आप सभी का स्वागत है, मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 2000 के नोट बदलने हुए प्रारंभ, नहीं दिखी लोगों की भीड़। महोबा जनपद के चरखारी में सभी बैंकों में 2000 के नोट बदलने को लेकर आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। 2000 के नोटों को बदलने के ऐलान के बाद पूंजीपतियों में इसका असर देखा जा रहा है, जबकि रोज कमाने खाने वाले लोगों पर इस बात का खासा असर नहीं पड़ा है। यह बात इसलिए साबित सही होती है क्योंकि आज हमारी टीम ने चरखारी कस्बे के भारतीय स्टेट बैंक में जाकर 2000 के नोट बदले जाने के पहले दिन ही बैंक का जायजा लिया, जहाँ शाखा प्रबंधक रत्नाकर मिश्रा ने इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि 2000 के नोट बदलने का आज पहला दिन है, जिसमें बैंक में खासी भीड़ नहीं आ रही है और नोटबंदी जितनी भीड़ भाड़ इसमें नहीं होगी। लंबा समय सीमा है, जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत 2000 के नोट हैं, वह आसानी से जमा बदलने का कार्य बैंक में जारी है, किसी को कोई भी असुविधा नहीं होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि एक दिन में केवल 20,000 रुपए के 2000 के नोट बदले जाएंगे और जिन लोगों को अपना पैसा बदलवाना है वह अपना आईडी जरूर लेकर साथ आए। वह जिन व्यक्तियों के बैंक के खाते व पैन कार्ड खाते में लगे हुए हैं तो जितना भी 2000 के नोट हैं जमा कर सकते हैं। बैंक में नोट बदलने का कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। सर, जैसा कि नोटों के एक्सचेंज को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, आज से काउंटर लगा दिए गए हैं बैंकों में, क्या सुविधाएं अपने बैंक में देखी जा रही है? हमारे बैंक में यह सुविधा है कि जैसा सभी लोगों को मालूम है कि आरबीआई के निर्देशानुसार जो 2000 रुपए के नोट चलन में है उनको सरकार वापस ले रही है। तो कोई भी व्यक्ति अपने खाते में पैसा जैसे जमा होता है, किसी भी बैंक में जहाँ उसका खाता है आराम से जमा कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बाकी वो कोई व्यक्ति जिसका खाता नहीं है और अपना नोट को एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो आराम से बैंक के काउंटर में जाकर अपना 2000 के नोट दे सकते हैं, जो मैक्सिमम 20,000 रुपये की वैल्यू को यानी 10 पीस नोट जमा किया जा सकता है। उसके एवेज में जो उनको चाहिए 150 जिस डिनोमिनेशन के नोट, वो बैंक दे। सर, क्या अलग से कोई काउंटर सुविधा बनाई गई है अपने यहाँ पर? काउंटर सुविधा अब वो डिपेंड करता है कि इसके रस के आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो जमा है डेडिकेटेड काउंटर ऑलरेडी एक बैंक में चल रहा है जहाँ पर केवल जमा की ही सुविधा होती है। अच्छा। तो इसके अलग से ऐसी कोई बहुत भीड़ नहीं है जिसको अनिवार्यता समझा जाए कि अलग से काउंटर खोला जाए। यदि ऐसी कोई भीड़ या बढ़ती है संख्या तो हम उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे। सर, जैसा कि आज पहला दिन है, लोगों का क्या, ज्यादातर लोग लेके आ रहे हैं नोट जमा करने के लिए? जनरली ये देखा जा रहा है कि चूंकि 2000 के नोट पहले से मार्केट में बहुत कम है जी, तो लोगों के पास है नहीं, तो जो हमारे व्यापारी वर्ग हैं जनरली, जो पेट्रोल पंप वाले या दुकान वाले, क्योंकि उन्हें क्या, हमको लगता है कि उनको आसान पड़ रहा है कि हम गए अपना 100 रुपये का लेना है तो 2000 का नोट लोग दे ही दे रहे हैं तो वहाँ वापस हो जा रहा है, बाकी व्यापारियों का पैसा खाते में जमा हो जा रहा है। तो अलग से कुछ ऐसा व्यक्ति नहीं आ रहा है कि सर हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है, और चूँकि टाइम भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा दिया है जो 30 सितंबर तक है, तो ऐसा बहुत उतावलापन नहीं है कि दो दिन एक दिन एक हफ्ता की चीज़ है, तो एज यूजुअल है, ऐसा कोई असमान स्थिति नहीं है इस संदर्भ में। थैंक यू।